हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा जायका। आज हम बनाने वाले हैं जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपी पंचमेवा पाक। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पैन गरम कर लिए हैं। अब इसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे। इसमें हम मखाना को डाल देंगे और हम इसको भून लेंगे, हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। इसमें से एक अच्छी खुशबू आ जाएगी। देखिए ये हो गया है, भुना गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। हम एक चम्मच घी डालेंगे इसमें। इसमें हम काजू डालेंगे, पिस्ता डालेंगे, किशमिश डालेंगे। इसको हम भून लेंगे फिर से, ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, हल्का भूनना है इसको। देखिए ये भुना गया है, इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको हम निकाल ले रहे हैं। हम एक चम्मच घी डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम नारियल डालेंगे, इसको भी हम भून लेंगे। देखिए ये भुना गया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए हम भून लिए हैं सब। अब हम बनाएंगे पाक। तो पाक बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कप चीनी लेंगे, हम डाल देंगे। इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। इसको हम चलाएंगे। अब देखिए ये बन गया है चाशनी, आप देख सकते हैं। दो तार का चाशनी बना लिए। अब हम इसमें मखाने, ड्राई फ्रूट जो भी हम भूने थे सब इसमें डाल देंगे। हम एक ठो थाली ले लेंगे स्टील का। अब इसमें हम घी डाल देंगे, तो हम मिला लेंगे ऐसे इस टाइप से। अब इसमें हम डालेंगे इसको। देखिए हम इसमें सर्व कर लिए हैं। ये सेट हो गया था तो हम इस प्लेट में सर्व कर लिए। ये देख सकते हैं बनके तैयार है पंचमेवा पाक। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है, एकदम सेट हुआ है। जन्माष्टमी स्पेशल पंचमेवा पाक बनके तैयार है। अभी ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।